हिमाचल प्रदेश में निष्पक्ष व निडर भाव से काम करते हुए अपनी बेहतरीन सेवाएं देने के लिए बिलासपुर के डीएसपी संजय शर्मा को राष्ट्रपति उत्कृष्ट सेवा सराहनीय मेडल व प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उन्हें ये सम्मान नशा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नशे की भारी खेप पकड़ने, हत्या के बड़े मामलों को अपनी सूझबूझ से सुलझाने और रोहतांग दर्रा के बर्फीले तूफान में फंसे शवों को निकालने जैसे बहादुरी भरे कामों के लिए दिया गया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और बिलासपुर जिले में बतौर एसएचओ व डीएसपी रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले संजय कुमार शर्मा के कार्य के प्रति निष्पक्षता व निडर भाव को देखते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उन्हें उत्कृष्ट सेवा सराहनीय मेडल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। शिमला में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में उन्हें ये सम्मान सौंपा। सन 1990 में एएसआई पद पर अपनी सेवाएं शुरू करने वाले डीएसपी संजय कुमार शर्मा सुंदरनगर के भोजपुर गांव के रहने वाले हैं। अवार्ड प्राप्ति के बाद बिलासपुर पहुंचे डीएसपी संजय शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए इसका श्रेय अपने परिवार व वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही उन्होंने निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठा भाव से काम करने की बात कही। उन्होंने पुलिस विभाग के स्लोगन को अपने जीवन में उतारने और आगे भी इसी रास्ते पर चलते हुए देश सेवा के प्रति समर्पित रहने की बात कही। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मुझे सराहनीय सेवाओं के लिए जो है वो पुलिस पदक प्रदान किया गया, जिसका अलंकरण समारोह जो है वो पिछले कल राजभवन शिमला में हुआ, जिसमें माननीय राज्यपाल महोदय ने ये पदक मुझे प्रदान किया। मैं इसका श्रेय अपने परिजनों तथा अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन को देता हूँ, जिन्होंने मुझे अच्छा कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरित किया। वैसे भी जैसे हिमाचल पुलिस का मोटो है निर्भय, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ, इसी को ध्यान में रखते हुए जो है अगर हम कर्तव्य पालन करें, अपनी ड्यूटी है उसका निर्वहन जो है वो ईमानदारी से करें, तो हम कोई भी सफलता का मुकाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और ज़्यादा अच्छा कार्य करूं ताकि मेरे विभाग का नाम जो है वो ऊंचा हो सके। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।